राज्यसभा सांसद शिवप्रताप शुक्ला ने आजमगढ़ व रामपुर के उपचुनाव में दोनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशी की जीत पर शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी, जिसके संबंध में राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने बताया कि उपचुनाव में आजमगढ़ व रामपुर में भाजपा की शानदार जीत हुई है, जिसके लिए सबसे पहले आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया, जिससे सपा का गढ़ माने जाने वाला आजमगढ़ व रामपुर में कमल खिल सका है। यह जीत आजमगढ़ के कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधियों की जीत है, जिन्होंने दिन रात भाजपा के लिए घर घर जाकर वोट मांगा। उन्होंने कहा, दोनों सीट की जीत पर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने कहा, अभी तो को प्रारंभिक है, लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ जीतेगी। दिनेश लाल यादव निरहुआ अब की बार वहाँ से सांसद चुन करके संसद में जाएंगे। रामपुर में भी चल रहा है जहाँ से आजम खान, रामपुर में, रामपुर शहर की तरह जरूर वो समाजवादी पार्टी बड़ी है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में बढ़त भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो ऐसी स्थिति ये लग रही है कि ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी।